हाय फ्रेंड्स, दिस इज जगत सरकार एंड दिस इज गोपाल सिंह। सब्सक्राइब करें theworldcricket.com और बेल आइकॉन प्रेस को दबाएं रेगुलर वीडियोस अपडेट देखने के लिए। थैंक यू। बल्ले पास के लिए होगा एक चुनौती इस गेंद के लिए। यहां डॉट बॉल नहीं डाल सकते हैं। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बॉल को भेजा है हवाई यात्रा पे। लेंगे तो फिर यही परिणाम पाओगे। यहां देखिए रिएक्ट शॉट देखने को मिला, फिर उसी दिशा में एक बार फिर हवाई यात्रा पे भेजा है उस बॉल को। ये बॉच बहुत शानदार दूसरा छक्का। तीसरे पर होगी क्या इनकी नजर? और यहाँ देखिए बैकफुट पर गए, थोड़ा जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां पर लेंथ गिरा नहीं जो इससे पहले ढूंढ रहे थे। पहला ओवर चलता हुआ दूसरी इनिंग का पावर प्ले का, और इस बार शरीर स्लो ओवर बॉल उतना अच्छा बॉल को पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड जगत सरकार, इनके पास में भी अगर देखा जाए तो गहराई बल्लेबाजी में है। पास के विरुद्ध जिस तरह से फील्डिंग की सजावट किया है, या रिवर्स स्वीप शॉट, नो बॉल का इशारा फर्स्ट अंपायर का। यहाँ देखिए सेकंड अंपायर का जो इस वक्त इशारा मिला है नो बॉल। चौके भी मिलेंगे, पांच रन आएंगे। नजीम गुल्ली बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये अंपायर के सर के ऊपर किया हवाई फायर आकाश मार्ग से आता हुआ का गंजुम्मी छक्का। ताकि शॉट वहां देखने को मिले थे, बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। बल्ला खामोश रहा, इस बॉल पर अच्छी गेंद है, डॉट डिलीवरी हो चुकी है अब तक। बहुत ही बढ़िया शॉट, बॉल गई है दूर, बहुत दूर। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैलाए हुए उनके पर बोलते। जगत सरकार की धुलाई क्या रंग लाएगी इस मैदान पे। फिर वही शॉट, लेकिन तेज गज घेरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। खास से कोशिश कैच तो नहीं ले पाया लेकिन एफर्ट बढ़िया था फील्डिंग का। यहाँ जगत सरकार स्ट्राइक पे 10 गेंदों में 29 रन। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, तेज गति से बॉल निकली है। और जहां तक मेरा सोच है ये विकेट लेना बहुत जरूरी है गेंदबाज के लिए, पूरी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हैंड से खेला, रन की मांग की, अच्छी रनिंग विटमिन विकेट। फॉर उनके समर्थकों ने उनके खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के बीच भी खड़े हैं वो। बहुत ही बढ़िया सीधे बल्ले से हल्का सा सॉफ्ट हैंड से पुश किया, फ्रंट फुट पर गए थे। और वो कृष्णा सतपुते की बल्लेबाजी देखने के लिए आए थे। तो ये है लोकप्रियता बीपीएल की। काफी अच्छी गेंद, गैंद उनके शायद शरीर में लगी है। बहुत ही खूबसूरत आज बल्लेबाजी की है जगत सरकार ने। मात्र 14 गेंदें खेली और 31 रन की धुआंधार पार खेली, जिसमें इस मैच का लुत्फ उठाते हुए और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इनके निगाहों में होगी कि हमारे यहाँ जब टूर्नामेंट होगा तो हम भी कुछ चीजें यहाँ से लेकर जाएंगे और सीखेंगे। तो ये जो श्रेय जाता है क्रिकेट की, अगर बात जानकारी यहाँ से मैं आपको देना चाहूंगा इस गेंद के बाद। काफी अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, फील्डर वहां है मौजूद। मैं दर्शकों को अवगत कराना चाहूंगा और अपने आयोजक महोदय को भी अवगत कराना चाहूंगा कि सोचिए लाइव कितना देख रहे होंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि। इस बार घूम के शॉट खेलना चाहते थे फरीद, क्या कहना चाहेंगे इस गेंद पर? जिस तरीके से गेंदबाज की गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज को किया है चकमा। बिल्कुल, शायद नए गेंदबाजी पर आए हैं संदेश पारते। ओहो, क्या बेहतरीन शॉट खेला है, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। तो ये लगा डेली बैकर्स छक्का साहित, क्योंकि सेट बल्लेबाज थे, हालांकि भाग ने साथ दिया। ये बात फिर वाव, हालांकि गेंद फील्डर तक कैरी नहीं की, फील्डर वहां मौजूद जब तक कि गेंद को थ्रो किया जाता। दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच अच्छी दौड़ की।
और दो रन का इजाफा किया। टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेगी। इस बार बल्ले का फेस खोला, इस बार बल्ले का फेस खोला, सिंगल से करना होगा संतुष्ट। और स्ट्राइक पर है जगत सरकार। वाह सरकार, वाह, क्या बात है जगत सरकार। पूरे ग्राउंड पर सिर्फ एक ही धूम, जगत सरकार, जगत सरकार और जगत सरकार। इसी चीज़ जगत सरकार की यकीनन कम है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए। एक और धुआंधार शॉट, सीधे गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर गई 6 रन के लिए। और ये जैद भाई ने ये कैच लुका है और इसे दर्शकों का दिल जीता है आज आपने। एक और खूबसूरत डिलीवरी, यॉर्क लाइन डिलीवरी थी, लेकिन जगत सरकार ने आज जमकर बलरामपुर में अपनी जलवा बिखेरते हुए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने के बीच विकेटों के बीच दौड़ की। एक और रन बढ़ता हुआ, शाहिद क्या कहेंगे जिसे खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर चुके हैं। इतना बड़ा क्रिकेटर आपको बस कुछ ही क्षणों के बाद इस बलरामपुर प्रीमियर लीग में खेलता हुआ नजर आएगा। तो दर्शकों से गुजारिश है, मैं होंगे नॉन स्ट्राइक पर। बिल्कुल शाहिद, और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं रवि बनारस, जिस तरीके से पिछले साल बीपीएल में शानदार छक्के लगाए थे। एक समय लगा था कि ये मैच काफी रोमांचकारी होगा क्योंकि एक विशाल स्कोर रखने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज, तो रन लेने की कोई भी संभावना नहीं। बता देना चाहते हैं कि जगत सरकार ने 7 छक्के लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। क्योंकि अगर इस बार अच्छी गेंद, सिंगल से होना करना होगा संतोष। तो कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को बता दूं, फिर तक बात करता हूं, हमारे बीच उस्मान भाई आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गेंदबाजी अटैक पे अभिजीत, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा बैट और बॉल के बीच में। जगत सरकार बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लंबा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन खुद किस्मत थे के विकेटों पर नहीं लगी। यही है क्रिकेट का रोमांच। एक और शॉट के मियां सेरो, सेरो की गुर्राहट नहीं जाती के मियां सिया इस ग्राउंड पर। बहुत ही जबरदस्त टीम खेल रही है इनकी। एक और शॉट, वाह भाई वाह, नागर दादा झूमते हुए, वाह नागर दादा वाह, 101 क्विंटल 80 किलो। पुणे की टीम पूरी तरह से दबाव में दिखती हुई,